धर्म की रक्षा के लिए शिव जी ने अनेक अवतार लिए हैं, परंतु उनमें से सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले अवतार उनके 11वें अंश श्री राम भक्त हनुमान हैं। बल, बुद्धि एवं भक्ति के प्रतीक हनुमान अजर अमर है। त्रेता युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए और श्री राम की सहायता करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान के रूप में अवतार लिया था। साथ ही साथ हनुमान जी भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी अमर इसलिए हैं क्योंकि त्रेता युग की रामायण में तो उनका उल्लेख है ही, परंतु हमें उनका उल्लेख द्वापर युग की महाभारत में भी देखने को मिलता है, जब उन्होंने महाबलशाली भीम का घमंड तोड़ा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान किसने दिया था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए माता सीता से अशोक वाटिका में मिले, उसी समय माता सीता ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। इसका एक और उल्लेख हमें हनुमान चालीसा की एक चौपाई में भी देखने को मिलता है, जो कि है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुबर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान को माता जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे वे किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हनुमान ही अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं। परंतु क्या आपको विदित है कि एक समय ऐसा भी आया था जब हनुमान ने माता सीता से उन्हें यह वरदान वापस लेने को कहा? उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने अपने जीवित रहते ही सबको यह बता दिया था कि वे कब अपना धरती का सफर पूरा कर स्वर्ग लोक में विराजमान होंगे, अर्थात वैकुंठ लोक गमन करेंगे। यह खबर सुनते ही जिसे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई वे थे राम भक्त हनुमान। यह खबर सुनते ही राम भक्त हनुमान दौड़े दौड़े माता जानकी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माते, आपने मुझे अजर अमर का वरदान तो दे दिया, परंतु जब मेरे प्रभु श्री राम ही धरती पर नहीं रहेंगे तो मेरा इस धरती पर क्या कार्य? इसीलिए आप मुझसे अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। हनुमान माता सीता के सामने इसी जिद पर अड़ जाते हैं। कारणवश माता सीता श्री राम को याद करती है। जब श्री राम वहां पर प्रकट होते हैं तो वे हनुमान को गले से लगाते हुए कहते हैं कि हे हनुमान, मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तुम इस बात पर सीता से आकर अवश्य मिलोगे। हे हनुमान, धरती पर जो भी प्राणी आता है उसका अंत निश्चित है, चाहे वो देव हो या संत। हनुमान, तुम्हें तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि जब इस धरती पर कोई नहीं रहेगा तब तुम्ही को राम नाम लेने वालों का बेड़ा पार लगाना है। एक समय ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर कोई भी देव अवतार नहीं होगा, उस समय पापी मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम्हें ही राम भक्तों का उद्धार करना होगा, इसी कारणवश तुम्हें अमरता का वरदान दिलाया गया है। तब हनुमान जी को अमरता के वरदान की महत्वता समझ में आती है और वे इसे राम की आज्ञा मानकर इसका पालन करते हैं। बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक राम भक्त हनुमान कल भी यही थे, आज भी यही हैं, और वे सदैव यही रहेंगे। दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।